हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका अकाउंट जो है सस्पेंड क्यों होता है। बहुत सारे दोस्त थे उनको, मतलब मैंने देखा फेसबुक पे, ऐसा से उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार हमारा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। तो उस पर भी मतलब जो है सस्पेंशन की जो रीज़न्स है वो भी मैं इस वीडियो में सारी बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दो ऑन, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे गाइस, सबसे पहला रीज़न आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन वाली ऑफ़र जो है, सॉरी गाइस, यहाँ पे ये मेंबरशिप ऑफ़र गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंगापुर रीजन में, हमारे पाकिस्तान में 270 का है। मे भी इंडिया में ये कम प्राइस का हो। तो होता क्या है कि गाइस, यहाँ पे आप मतलब वीकली मेंबरशिप तो परचेज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो 7 डेज़ के लिए होता है। आप 7 डेज़ के लिए इसके रिवार्ड्स जो है वो कलेक्ट करते हैं गाइस। लेकिन इसमें एक बग सा भी है, कोई इशू भी है गरीना की तरफ से, कि आपके मतलब जो बैजेज़ हैं, आपके रिवार्ड्स जो होते हैं, वो 7 डेज़ के बाद भी आपके चलते रहते हैं। तो आप वो मतलब जाके कलेक्ट करते रहते हो इस उसमें, कि यार आपको रिवार्ड फ्री मिल रहा है। लेकिन गाइस, उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि आपको जो है मतलब रिवार्ड तो फ्री मिल जाता है, लेकिन आपकी आईडी भी जो है वो इलीगल एक्टिविटी में चली जाती है। तो उससे मतलब आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है गाइस। तो इस वजह से मतलब जो है आप ये चीज़ ट्राई ना करना कभी। मतलब आप जो है फ्री डायमंड के चक्कर में ऐसा मेंबरशिप अगर आप परचेज़ करते हो गाइस, तो उस मेंबरशिप में मतलब आपको 7 दिन के बाद भी रिवार्ड मिलते हैं। 7 दिन तक आप मतलब रिवार्ड क्लेम कर सकते हो, 7 दिन के बाद वाले रिवार्ड आपने क्लेम नहीं करने गाइस। तो इस वजह से मतलब बहुत सारे लोगों की आईडी भी बैन। इस पर गाइज़ आप अपील कर सकते हैं। वो कहाँ से कर सकते हैं गाइज़? आपने जाना है सेटिंग्स में, वहाँ से जाना है आपने कस्टमर सर्विसेज में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर सर्विसेज में जाके थोड़ा सा आपने ड्रॉप डाउन करके गेम कंसर्न पे जाना है। गेम कंसर्न पे आप जाके गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने नीचे मतलब थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर लेना है, और यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि ऑप्शन है सबमिट अ रिक्वेस्ट। आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इधर एक फॉर्म आपका होगा आएगा, वो आपने फॉर्म फिल करना है। इसमें गाइस आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है जिस पे आपको गरीना कांटेक्ट करेगा। नीचे आपने फिर चूज़ कर लेना आपका रीज़न क्या है कि अकाउंट बैन का, कि आप क्या चीज़ रिपोर्ट करें। जैसे यहाँ पे आपका अकाउंट बैन है तो आपने अकाउंट बैन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है गाइस, वहाँ पर मतलब आपने डिटेल देनी है कि आपका अकाउंट मतलब बैन हुआ। आपने जस्टिफाई करना है कि आपका अकाउंट बैन मतलब नहीं होना चाहिए, कि क्यों नहीं बैन होना चाहिए। आपने कोई हैक नहीं यूज़ किया होगा, ना कोई वीपीएन यूज़ किया है, ना कुछ इस तरह से, तो आपने उसको जस्टिफाई करना है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपनी प्लेयर आईडी देनी है गाइस। इसी तरह यू आई डी जो होती है आपकी गेम में गाइस, प्रोफाइल में आपने कहीं सेव रखी है तो आप दे सकते हो गाइस। तो यहाँ पे आप इन गेम नेम भी जो है यहाँ पे आपने देना होगा गाइस। और नीचे आप रीजन देख सकते हो गाइस, आपका जो रीजन है जहाँ पे आपकी आईडी थी वो आप आईडी लिख सकते हो गाइस। यहाँ पे मतलब जैसा सिंगापुर रीजन वाले हम पाकिस्तान वाले सिंगापुर रीजन में, इसी तरह इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल वाले गाइस वो इंडिया रीजन में सेलेक्ट करेंगे गाइस। इसी तरह आपने यहाँ पर सबमिट कर देनी है। और अगर आप गाइस आपके पास अगर कोई रिकॉर्डिंग है, मतलब जिस पे आपको लगता है कि यार कोई बग है या कोई वजह से आपका अकाउंट बैन हुआ है, आपके पास बग की रिकॉर्डिंग है कि यार आपने हैक नहीं किया है लेकिन यहाँ पे बग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, वहाँ पे आप फाइल भी ऐड कर सकते हो, उस पे आपने फिर आगे सबमिट कर देना है गाइस। तो 2 से 3 दिन में आपको जो है गरीना रिस्पॉन्स दे देगा इसका, आपको बता देगा गाइस कि क्या वजह है आपका अकाउंट क्यों बैन हुआ है, सारी रीज़न उसमें वो बता देगा। अगर आपका मतलब कोई मतलब जस्टिफाई हो सका हो कि आपका मतलब वैलिड हुआ रीज़न, कि यार आपने कोई हैक नहीं यूज़ किया, ना कोई आपने इलीगल एक्टिविटी की है, तो आपका अकाउंट अनबैन भी कर सकता है गाइस। लेकिन ये चांस की बात है, मेजॉरिटी यही होता है यार, 100 में से 99% तक जो अकाउंट बैन हो चुका हो वो अनबैन नहीं करता गरीना गाइस। एक चीज़ और गाइज़ याद रखें कि जो आप अपील करेंगे, आपकी आईडी तो बैन होगी, आपने किसी दूसरी आईडी से अपील करनी है, आपने किसी दोस्त की आईडी से अपील करनी होगी गाइज़ गाइज़। और दूसरी चीज़ गाइज़, यहाँ पे आप मतलब बताता चलूँ कि थर्ड पार्टी ऐप्स हैं गाइज, थर्ड पार्टी ऐप्स से मुराद जैसे फ्लैश डॉग, फ्री फायर है, तो उसमें आप गेम लॉग इन करके गेम प्ले करते हैं, तो वो थर्ड पार्टी ऐप्स का होता है। गरीना की जो ऑफिशियल मतलब फ्री फायर ऐप, उस पर मतलब आप अगर प्ले नहीं करते हो, तो उसके अलावा मतलब जो भी ऐप आप यूज़ करते हो, तो गरीना मतलब स्ट्रिक्टली ये कहता है कि उसको वो बैन करेगा, चाहे मतलब आपने हैक यूज़ किया हो या ना किया हो, लेकिन वो आपकी आईडी गरीना बैन कर देता है उससे गाइज। तो थर्ड रीज़न मतलब आपको मैं बताता चलूँ कि गाइज आप मतलब वीपीएन यूज़ करके जो है मतलब गेम प्ले करते हो। बहुत सारी मतलब रीजन्स में जो है, सिंगापुर रीजन में खासकर जो है, यहाँ पाकिस्तान में पिंग का इशू है, लॉकडाउन में खासकर जो है पिंग का मतलब बहुत हाई हुआ है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वीपीएन के थ्रू आप मतलब जो है मतलब पिंग अपनी सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज़ वीपीएन आप जो है मतलब आप यूज़ नहीं करना आपने, तो है वीपीएन अगर आप यूज़ करते हो गाइज़, तो उससे जो है आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों का मतलब जो है इस तरह से भी, मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी पढ़ी, उन्होंने ऑफिशियल चैनल पे भी मतलब उन्होंने शिकायत की कि यार इस तरह से हमारा अकाउंट बैन हुआ, तो हमने सिर्फ वीपीएन यूज़ किया। तो गाइज़ वीपीएन भी आप मतलब यूज़ नहीं करना। पिंग का होता है कि आपकी पिंग आरजी तौर पर जो है
मतलब सॉल्व कर देता है, लेकिन जो है अल्टीमेटली गरीना आपका मतलब सारी स्टोरेज और ये सारा मोबाइल रीड भी करता है साथ में। तो उससे मतलब जैसे ही वो देखता है कि यार कि यहाँ पे मतलब वीपीएन यूज़र है, कोई और थर्ड पार्टी ऐप यूज़ हो रहा है, तो आपका अकाउंट डायरेक्टली बैन कर देगा गाइस। और इसका मतलब आईडी आपके अगर बैन होगी तो वो अनबैन भी नहीं करता है। तो फोर्थ रीज़न में गाइस आपको बताते चलें कि आपका मतलब जो है हैक यूज़ करना, मतलब आप कोई भी हैक यूज़ करते हो गाइस, आप यूज़ करते हो या आपका कोई टीममेट करता है, तो गाइज उसमें मतलब ये होता है कि आपकी आईडी भी बैन होगी, साथ ही साथ जो है उसके मतलब साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि आपकी डिवाइस भी बैन हो जाएगी। तो मतलब जब आपकी डिवाइस बैन होगी, आपने मतलब दूसरी आईडी उसमें लॉगिन कोई भी करोगे तो वो भी आपकी बैन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कुछ टाइम बाद जो है आपकी वो आईडी भी बैन हो जाएगी, तो वो अनबैन फिर नहीं होती। जो आईडी आपकी मतलब जिस पे आपने हैक किया वो तो कभी अनबैन नहीं होती। तो जो मतलब दूसरा है कि आपकी डिवाइस अनबैन हो सकती है, उसके लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे आप IMEI चेंज कर दें, ठीक है, उसके बाद आप जो है क्लोनर ऐप यूज़ करके जो है उससे भी कर सकते हैं। सिंपल उसका मेथड एक और भी है कि आप जो है सिम कार्ड की जो सॉकेट है मतलब डाटा सिम आपकी जो है वो आप चेंज कर दो, डिफ़ॉल्ट सिम मतलब चेंज कर दो, दूसरी सिम में डाल दो, तो उस पर भी आप गेम प्ले करो, तो आपकी मतलब डिवाइस अनबैन हो जाएगी। लेकिन ये कुछ अरसे के लिए होता है, फिर आपकी दोबारा जो है अगेन ये बैन हो जाती है। तो इस तरह से गाइज इन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है कि अगर आपकी टीम में कोई हैकर है तो हैकर से भी मतलब आपने परहेज़ करना है कि यार हैकर का तो मतलब रिपोर्ट होता है कि वो हैक यूज़ करके मतलब बैन कर हैक यूज़ करता है, तो उससे मतलब जो है कि एनिमी किल करता है, रैंक पुश करता है, कुछ भी गेम में बेनिफिट वो ले लेता है। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि यार आप अगर स्क्वाड खेल रहे हो या सोलो खेल रहे हो, सॉरी ड्यू खेल रहे हो, तो उससे मतलब आपकी आईडी पे भी इफेक्ट आता है, रिपोर्ट आप सबकी इकट्ठी जाती है। तो जो मतलब उस हैकर को रिपोर्ट करेगा तो वो साथ ही साथ आपको भी रिपोर्ट करेगा। तो इसलिए गाइस कभी अगर आपको हैकर मिले गेम में, आपका टीममेट आ जाए रैंडम मैच में, या कोई आपका दोस्त अगर हैक कर रहा है, तो मतलब उसको जो है आप वो गेम फौरी लीव कर दो, और उस हैकर के साथ कभी आप गेम मत खेलो। क्योंकि जब वो एनिमी किल करता है या देखता है एनिमी के यार इस तरह से मतलब ये हैक यूज़ कर रहा है, तो वो रिपोर्ट कर देता है, और गरीना मतलब जो है फिर पूरी टीम को जो है वो मतलब जो है बैन कर देता है। ऐसा नहीं होता कि यार एक बंदे की बैन हो गई है, ऐसा ना, वो पूरी टीम की फिर ओवरऑल बैन होती है। तो इन चीज़ों से भी गाइस आपने परहेज़ करना है गाइस। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको चार रीज़न्स बताए कि आपकी आईडी क्यों बैन होती है। आप मतलब पहला रीज़न यही है कि आप यार सब्सक्रिप्शन की वजह से भी लोगों की आईडी बैन होती है, दूसरी चीज़ वीपीएन है, थर्ड चीज़ जो है वो जो है मतलब थर्ड पार्टी ऐप्स है, जो चौथी चीज़ है वो हैक है या किसी हैकर के साथ आप खेल रहे हो, तो उससे आपकी आईडी बैन हो जाती है गाइस। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है गाइस। हैकर जो हैकिंग है उसका कोई इलाज नहीं है गाइस, कि अगर आप हैक करके मतलब गेम खेलते हो आपकी आईडी बैन होती है तो वो आईडी बैन हो जाएगी, वो दोबारा कभी अनबैन नहीं होगी। तो ये मतलब जो है आप चीज़ ने आपने ध्यान रखनी है गाइस। अगर आप बार बार हैक करते हो मल्टीपल टाइम्स तो आपकी डिवाइस भी बैन हो जाती है। अल्टीमेटली आपकी डिवाइस जब बैन होती है तो आप उसमें कोई भी आईडी लॉगिन करोगे तो वो आईडी भी बैन हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। तो इन चीज़ों से आपने गाइस परहेज़ करना है। हैकिंग जो है मतलब आपको आज भी फ़ायदा दे सकती है, लेकिन जो है आपकी मतलब आईडी है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी लेवल 60 की आईडी है, आपने मतलब काफ़ी सारे उसमें एलीट पार्स लिए हुए हैं, या आपके पास बहुत सारी कॉस्ट्यूम पैक है, कलेक्शन अच्छी है, तो सारी आपकी आईडी फिर चलेगी। रैंक तो मतलब आपका बढ़ जाएगा लेकिन वो आज ही टाइम के लिए होगा, उसके बाद फिर आपकी आईडी एक्सेस में नहीं रहेगी। तो इन चीज़ों से गाइज आपने परहेज़ करना है गाइज। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।